अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे यहाँ पर फेस्ट चल रहा है, किस तरह से टेलर यहाँ हमारे स्टूडेंट लोग टेलर किस तरह से चलाते हैं रोड पे, ये हम लोग आज करके बता रहे हैं। देखिए हमारी साइड है, ये शमशाद सर है, आप आइए शमशाद सर। सर बताइए, आप यहाँ जो लड़के लोग को ट्रेनिंग देते हैं तो टेलर में इतनी बड़ी मशीन कैसे टेलर में ट्रेनिंग देते हैं? पहले हम इनको जब आए थे, ये जब ये आए हुए थे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग इनको कुछ नहीं जानते थे, ये कुछ नहीं जानते थे। तो हम लोग, हमारे पास एक मिनी डंपर भी है, उस डंपर को है ना, हम लोग पहले उनको इसमें ट्रेनिंग करवाए, उसके बाद आज देखिए हमारे उनको मैं उनके बारे में बताकर ये ड्राइविंग में लिया, देखिए किस तरह से कटिंग होता है, किस तरह से सीधा लेके जाते हैं। और इनको जो है आप पहले मिनी डंपर में ट्रेनिंग कराएं जी, बड़ी जी। देखिए 3 घंटे से ये चला रहे हैं, कंटिन्यू 3 घंटे से चला रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह, ये थे शमशाद सर। अच्छा, ये जो लड़के चला रहे हैं तो इनको, ये तो पहले कुछ गाड़ी भी नहीं चलाए, तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई चलाने देने में? शुरू में तो प्रॉब्लम हुआ था सर, ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम हुआ था। अभी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से गाड़ी टेलर आपके सामने चला रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से टेलर चला रहे हैं, गाड़ी सीधा रहता है, बिल्कुल गाड़ी सीधा चला रहे हैं जी। अभी बैक करके लाते हैं, देखते हैं। ड्राइवर सीख रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, जिसको हम लोग देखिए टेलर में खास है, इसको सीधा तो आराम से चला लोगे जैसा ड्राइविंग चलाते उस तरह से है, और इसमें बैक करना सबसे बहुत क्रिटिकल होता है। बैक में जल्दी होता नहीं है, लेकिन बैक में देखिए किस तरह से बैक करना पड़ता है, बहुत बारीकी से बैक करना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट जो है ना करके दिखाते हैं बैक किस तरह से होता है। देखिए इसका फंक्शन जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा राइट काटेंगे तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट काटेंगे तो राइट जाएगा, और स्टूडेंट हमारे किस तरह से चला रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर जो रहेगा वही चला सकता है, ड्राइविंग अगर नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल भी चला नहीं पाएंगे, बहुत थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी ये कर ले रहे हैं, बिल्कुल ये मिरर देख के कर रहे हैं, बैक मिरर देख के ही कर रहे हैं। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह, और ये हमारे कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं, आप जनाब इधर आइए, आप कहाँ से हैं और क्या चीज़ का अभी ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं? सर मैं यूपी से हूँ, जिला अमेठी मेरा पड़ता है, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं यहाँ पर JCB 3DX सीखने आया हूँ। जी सर, जैसे कि मेरा 2 से 3 दिन बचा हुआ है और मैं JCB पूरी कंप्लीट सीख चुका हूँ। माशाल्लाह जी सर, और यहाँ पे JCB के साथ साथ में ड्राइविंग के बारे में भी हम लोग सिखाते हैं, तो उसमें कुछ नॉलेज मिला आपको? जी सर, ड्राइविंग भी हमें लमसम सारी गाड़ियाँ मैं चला सकता हूँ, छोटी सी बड़ी गाड़ी लेके मैं चला सकता हूँ मुझे यहाँ पे। आप मुनाफ नाम है आपका, आप कहाँ से? जी सर मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ, मैं एक JCB ऑपरेटर में आया हूँ JCB सीखने के लिए, GIT में, GTI में, गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ एक शमशाद सर हैं जो भी बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग कराते हैं, शमशाद सर बहुत अच्छे ट्रेनिंग कराते हैं। और यहाँ तो JCB सीखते सीखते हम लोग यहाँ ड्राइविंग भी सिखाते हैं, जो हेवी ड्यूटी ड्राइविंग जो है, इस तरह का ड्राइविंग सिखाते, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, काफी अच्छे नॉलेज यहाँ पे मिलते हैं, और शमशाद सर बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, एक्सेवेटर हो गया, मोबाइल किराना हो गया, ऐसे बहुत सारी गाड़ी अगर किसी की नॉलेज लेनी रहती है तो हम लोग शमशाद सर से पूछते हैं, तो शमशाद सर नॉलेज देते हैं हम लोग। कुछ हमारे यहाँ पर एक टीचर संतोष नाम है इनका, ये भी काफी कोऑपरेट करते हैं, इनका क्या कोऑपरेशन रहता है? नमस्कार सर, मैं संतोष सर, ओडिशा का हूँ सर। जी आप बताइए, ओडिशा में कुछ, ओडिया में कुछ बताइए, बोलिए। नमस्कार, मैं ओडिशा से हूँ, संतोष साहू। एठिया में पिला मानों को बहुत प्रकार, मतलब मशीन हम पकड़े अच्छी, JCB अच्छी, एक्सीवेटर अच्छी, मोबाइल क्रेन अच्छी, फोर्कलिफ्ट अच्छी, डंपर अच्छी, ये सब मशीन हम को बहुत बढ़िया मात्रा सिखाऊ भल भाव। लड़के किस टाइप के आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? हम बहुत टाइप के लड़के आता है, उन लोग को हम लोग प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको हम लोग किस तरह उन लोग को समझाना पड़ता है, इसी बारे में हम लोग को भी थोड़ा कोऑपरेट करता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। इसके बाद तो यहाँ पर देखे होंगे किस तरह से लड़के चला रहे हैं यहाँ पर, और इनसे हम इधर देखिए, ये किस तरह से अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, और ये क्या, और ये कितना एक्सपीरियंस इनका यहाँ पर बना है, तो इनसे आज पूछते हैं।
चेक करके लिखाने के बाद हम लोग इनसे पूछते हैं। और देखिए जो भी बंदा ट्रेनिंग लेना चाहता है हमारे गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे पास में बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखे हैं हम लोग, और कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए कि हम लोग उसको लिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो कि इसमें हम लोग फुली कॉन्फिडेंस के साथ में लड़के लोग को सिखाते हैं, इंडिविजुअल देते हैं कि लड़के कम से कम इन हैंड वो करें। जैसा कि अभी हमारे मुनाफा हमारे के स्टूडेंट है वो बताएं कि हम लोग लड़के लोग को फ्री देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें लगा के पकड़ पकड़ के बताते हैं। शुरुआत में तो एक हफ्ता बताते हैं पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ के बताते हैं, बट क्या है ना कि उन लोग को हम लोग फ्री दे देते हैं मशीन, आप चलाए जो समझ में आता है चलाए, गलती होने पर हम लोग टोकते हैं बताते हैं, लेकिन उन लोग को एक हफ्ता जो हम लोग बताते हैं बस उसके बाद में लड़के का हाथ फ्री हो जाता है, और लड़के करीब एक एक महीना डेढ़ महीना चला के जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना मर्जी उतना मशीन चला के जाइए। देखिए आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप सही इंस्टीट्यूट को चूज कीजिए, और वो इंस्टीट्यूट को पता कीजिए कि आप उसके पास में अपनी मशीन है कि नहीं है, और मशीन है तो रोज कितना घंटा देगा, एवरी डे कितना घंटा देगा, और आखिरी में कितना घंटा देगा, ये कम से कम आप कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर एडमिशन लेते हैं तो पूछ लेते हैं। तो हमारे पास में एक स्टूडेंट है, देखिए किस तरह से वो टेलर को बैक करके लिखा रहे हैं। मेरे पास एक मुनाफ है जो कि यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं, मुनाफ से पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे। मुनाफ बोलिए। सर GTI सर बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मशीन के बारे में इतना थ्योरी पढ़ाया जाता है, इतने अच्छे से नॉलेज दिया जाता है, सदाब सर हैं, सुखाई सर हैं, सर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जितने भी GTI के मतलब मेंबर लोग हैं बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं, और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है सर। यहाँ पे सिखाने से पहले उसके बारे में जानना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट में बहुत दूर दूर से इंस्टीट्यूट में आते हैं, खास करके जमशेदपुर में एक हब बन गया है, और यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जितनी है उतना प्लेसमेंट कंसल्टेंसी ऑफिस भी उतना बन गया है। आप अगर टारगेट करके आते हैं तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो लेते हैं, बट आपको नॉलेज भी हो जाता है कि कहाँ से और कौन सा ऑफिस से भी आप बाहर जा सकते हैं या इंडिया में कहीं काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ऑफिस यहाँ पर बहुत है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लड़के लोग जो चूज करें, बहुत सारे लड़कों को बिलीव नहीं होता है, तो वो बहुत सारा कमेंट्स में भी कहते हैं फेक है क्या है, नहीं, तो नहीं, आप क्या बोलना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ इंडिविजुअल, आप बताइए। मैं खुद सर YouTube के माध्यम से आया था, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैं आया, जब मैं मैम से बात किया, मैम ने मुझे कॉल उठाया, तो मैं यहाँ के नाइट में 3 बजे पहुंचा था, तो मैम ने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में रिसीव कर लूंगी, तो फिर आदमी मुझे रिसीव करने के लिए, मैं जब ऑफिस आया तो मैंने देखा तो मुझे पूरा से पूरा बिलीव हो गया सर, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है सर। लड़के लोग क्या बोलना चाहेंगे, वो क्या देख के यहाँ पर एडमिशन ले, आप क्या देख के यहाँ पर एडमिशन लिए। मैं देखा था सर, मैं यहाँ आया पहले अपना साइट देखा, मैंने आपका ऑफिस देखा, मुझे बहुत ही बिलीव हो गया, और यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग देने वाले सर हैं, संतोष सर हैं, शमशाद सर, बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं, इस कारण से मैं आने वाले लड़कों को यही कहूंगा कि बिलीवेबल हैं, आप आ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत से जल्द सीख जाएंगे। जी जी। तो देखिए मुना आपने अभी बताया कि आज ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, इनका भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमारे पास में जो भी इंस्टीट्यूट में आते हैं लड़के लोग, वो उन लोग का दिल में डर रहता है कि पता नहीं मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ, पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पैसा मेरा डूब जाएगा, बहुत सारी उन लोग का दिमाग में चलती रहती है, और ये भी होता है कि मैं इतना पैसा खर्च करके सीख लूँगा, पता नहीं मैं कहीं जाके जॉब कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जब सीखें तो बहुत ईमानदारी से और अच्छे से सीखें, इतनी अच्छे से सीखें कि आपका क्वालिटी आनी चाहिए, आप कहीं भी जाएं तो कंपनी वाला आपको रख ले, भले ही वो देर हो थोड़ा से जॉब मिलने में, लेकिन आपको कम से कम इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊं तो मशीन चला पाऊं। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट चला रहे हैं, ये जाए हमारे पास में 4-व्हीलर और एक डंपर, मिनी डंपर 6 चक्का वाला भी गाड़ी चलाएं, आज हमारे यहाँ पर ये चला रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से मशीन चलाए हैं, इनसे खुद पूछेंगे, ये जब उतरेंगे तो इनसे कुछ खुद पूछेंगे। देखिए हाँ चले 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 हाँ ले लीजिए बैक लीजिए थोड़ा तो जाने दीजिए रास्ता, इनसे खुद पूछेंगे। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा है, मैं रांची से हूँ, रांची से। और इनसे कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका बताइए? मेरा अहमद रजा नाम है, मैं रांची से हूँ। रांची से अहमद रजा, आप यहाँ गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कितना दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं? 1.5 महीना हो गया लगभग। लगभग डेढ़ महीना हो गया लगभग। डेढ़ महीना से क्या क्या चलाए अभी तक? मैं कार चलाया हूँ, अच्छा डंपर चलाया हूँ, अब टेलर लास्ट था, टेलर भी कम्प्लीट हो चुका है। कार चलाए और डंपर चलाए, तो कार चलाए डंपर चलाए, जो टेलर चलाए क्या यहाँ पर ट्रेनिंग देना पड़ा आपको? ऐसे चला लिया डायरेक्ट जाकर? नहीं, ट्रेनिंग मिला है मुझे, पूरा मिला है। नहीं नहीं, कहने का मतलब अभी कार चलाए जी, कार में ट्रेनिंग मिली होगी, रोड वगैरह में दिए होंगे, चाचा जो हमारे कार ड्राइविंग का ट्रेनर है वो दिए होंगे,
और डंपर चलाया, अच्छे चक्का वाले डंपर चलाया, समसा सर बताएंगे शुरू शुरू में। ये दोनों चीज चलाने के बाद में जब रोड में आप चलाए टेलर, टेलर बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होती है, मशीन जितनी भी व्हीकल्स है व्हीकल्स में टेलर चलाना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो उसको चलाए तो क्या उसमें ट्रेनिंग लेना पड़ा या डायरेक्ट आप चला लिए? नहीं डायरेक्ट चला लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं चाहूंगा अहमद आप ये तीन तीन मशीन चला के अभी अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तीन तीन मशीन चला के कम्प्लीट करके आगे कुछ करने का चांस है मेरा। जी बोलना चाहिए, ये तीनों मशीन चलाने के बाद ना आप कोई भी मशीन चला सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप फोर्कलिफ्ट भी चला सकते हैं, आप लोडर भी चला सकते हैं, आप ग्रेडर भी चला सकते हैं, मोबाइल क्रेन भी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा से 5-10 मिनट आधा घंटा एक घंटा आपको थोड़ा से प्रैक्टिस हल्का जरूरी है, एक दो घंटा के लिए बस आप कोई से भी चला सकते हैं। यहाँ पर 1.5 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक था, सर्विस ठीक था, चलो सब अच्छे से समझाए। जी मैं भी चाहूंगा कि अगर जो बंदे ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और उन लोगों ये मैं बोलना चाहूंगा अगर आप अर्थमोबर्स में कोई भी मशीन सीखना चाहते हैं तो आप कम से कम ड्राइवर बनिए। अगर आप ड्राइवर रहेंगे ना कोई भी मशीन आसानी से चला सकते हैं, अच्छा ड्राइवर बनिए और मशीन चलाना बहुत ईजी है। और ड्राइवर अगर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा आपको दिल में थोड़ा सा डर रहेगा, इसको दूर करने के लिए ड्राइविंग लीजिए, ड्राइविंग करते रहिए। ड्राइविंग करेंगे तो आप बहुत सारी मशीन चला सकते हैं, ये तो सब मशीन चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, डंपर भी चला सकते हैं, फोर्कलिफ्ट भी चला सकते हैं, आप वॉल्वो टिपर भी चला सकते हैं, बट आप थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आधा घंटा एक घंटा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर आप आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो किसी तरह से देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और जो बंदे नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।